हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 11 और 12 के ग्रीन ओलंपियाड से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे। ये बुकलेट टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने पब्लिश की है, जिसमें क्लास 11 और 12 के लिए 125 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो हम इनमें देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चंस अर्थ से रिलेटेड हैं, इसके आसपास ही हैं। सोलर सिस्टम, कैसे हम अपनी अर्थ को ग्रीन रख सकते हैं, एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन रख सकते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये क्लास 11 और 12 के लिए इन्होंने दोनों के लिए 125 क्वेश्चंस रिलीज किए हैं, जिसमें से मतलब इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड, अगर आसपास से रिलेटेड आप क्वेश्चंस रेडी करेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, यूजफुल रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा आपके ग्रीन ओलंपियाड के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन वाटर फ्रीजेज इट बिकम सॉलिड आइस, व्हाट इज ए मैसिव पीस ऑफ फ्रेश वाटर आइस व्हिच हैज़ ब्रोकन ऑफ फ्रॉम ए ग्लेशियर और एन आइस सेल्फ और नाउ फ्लोटिंग फ्रीली। तो जो फ्रीली फ्लोटिंग करता है उसको आइसबर्ग बोलते हैं। आइस पीस थोड़ा इससे लार्ज साइज हो जाता है। आइस बैग में क्या होता है, ये डॉक्टर के पास होता है बॉडी पेन से रिलीफ करने के लिए। इस बैग का टेम्परेचर क्या होता है, -25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपको जितना भी ऑप्शन दिया होता है उनके बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इस ओलंपियाड में अच्छी रैंक ला सकेंगे। आपको हर ऑप्शन को डीपली जा के देखना चाहिए कि ये किस क्वेश्चन का आंसर है और कैसे कैसे हम इसको रेडी कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन का मतलब इधर एक क्वेश्चन नहीं है, आपको ऑप्शन में जाके भी उसको सर्च करना होगा, तभी आपको अच्छी रैंक मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और ऐसे प्रिपरेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी इन द यूनिवर्स। तो अल्टीमेट एनर्जी क्या है, सन है। अगर आपने अब तक नहीं पता हो तो सन से ही पूरा एनर्जी चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेग्यूम क्रॉप्स कैन फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड फ्लोरिश ऑन नाइट्रोजन डिफिशियंट सॉइल। लेग्यूम क्रॉप्स स्पेशल होती हैं ये, जो अपने आप ही मिट्टी में नाइट्रोजन बनाती हैं। स्पेशल फास्ट ग्रोइंग बैक्टीरिया स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, विच इज दिस बैक्टीरिया। तो वो कौन सा बैक्टीरिया जो एयर से सीधा नाइट्रोजन बना लेता है, तो वो है राइजोबियम। तो इसलिए खेतों में बहुत सारा, अगर फसल हर साल कम होती जा रही है, तो जो फली वाले पौधे होते हैं, दाल वाले जो फली लगती है जिनमें, वो पौधे लगाए जाते हैं, वो प्लांट्स लगाए जाते हैं, उनके खेती की जाती है। जैसे सबसे मूंग की खेती को सबसे बेस्ट मानते हैं, मूंग बीन, क्योंकि उसकी वो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन बनाती है, जिससे क्रॉप है, जो फसल है, वो हर साल अच्छी होती जाती है 2-3 साल के लिए। अगर 2-3 साल में हम एक बार खेत में मूंग लगा देते हैं, मूंग की खेती करते हैं, तो वो अच्छा हो जाता है मिट्टी के लिए और आगे की फसल के लिए। अब नेक्स्ट में पूछा गया, व्हाट डज CITEC मीन्स। तो ये इसका फुल फॉर्म होगा कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो इनका एंडेंजर्ड की कौन सी लुप्त होने के कगार पे है, उनका पता लगाती है CITEC, कन्वेंशन हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ इज कम्पोज ऑफ फोर मेन लेयर्स। फोर मेन लेयर कौन सी हैं, आउटर कोर, मेंटल क्रस्ट, सेंटर। तो व्हाट इज लिथोस्फीयर, इसमें लिथोस्फीयर क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर क्या होता है, कितने किलोमीटर तक होता है ये। तो लिथोस्फीयर होता है जो सरफेस से 0 से 75 किलोमीटर तक होता है, उसके बाद एथेनोस्फीयर होता है 75 से 250 किलोमीटर तक। तो ये होता है क्रस्ट, जो सबसे ऊपर का है, क्रस्ट एंड अपर मेंटल ऑफ द अर्थ। क्रस्ट सबसे ऊपर का है और उससे नीचे अपर मेंटल तक के लेवल को हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमैग्निफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच टॉक्सिक केमिकल्स बिल्ड अप विद इन द फूड चेन, दिस टाइपिकली ऑकर्स अक्रॉस एन एंटायर फूड चेन एंड अफेक्ट ऑल द ऑर्गेनिजम्स, स्पेशली एनिमल्स डैश इन द चेन आर मोर इम्पैक्टेड। तो जो हायर अप के एनिमल्स हैं वो ज़्यादा इसमें इम्पैक्टेड होते हैं बायो मैग्निफिकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेट्स
designate specific days, weeks, year and decades as occasion to mark particular events or topics in order to promote awareness and action on the topics. According to the UN, 2021 is celebrated as a year. UN के according हमने 2021 को क्या बनाया था, कैसे मनाया था इसको, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो ये सब यूएन के अकॉर्डिंग हमने मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टेन गैसेज इन द अर्थ एटमोसफियर हेल्प रिफ्लेक्ट द इनकमिंग सोलर हीट रेडिएशन बैक इन टू स्पेस। दीज गैसेज आर नोन एज, तो वो कौन सी गैसेज होती हैं, तो आपको पता होगा ये ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं जो सन की डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेज को वापिस कर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और ग्लोबल गोल्स एज ए कलेक्शन ऑफ 17 इंटरलिंक्ड ग्लोबल गोल्स डिजाइन टू बी ए ब्लूप्रिंट टू अचीव ए बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। तो SDG का फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको। अगर आपको सच में इस ओलंपियाड में अच्छी रैंक लेके आनी है तो आप क्लास 9 और 10 का 125 क्वेश्चंस जो इसी बुकलेट में थे उसका प्रैक्टिस करवाया है, उन क्वेश्चन से रिलेटेड आसपास क्वेश्चंस भी बताए हैं, 6, 7, 8 का भी वीडियो बनाया है, तीन तीन वीडियो है दोनों का, आपको वो भी देखना चाहिए क्योंकि उससे आपका बेसिक्स क्लियर होगा और उसकी हेल्प से आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे के ऐसे हैं सेम मिलेंगे, तो आप उनको भी देख सकते हैं मेरी तीन वीडियोज़ को, 3 और 3, 6, 9, 10 का तीन वीडियो है और 6, 7, 8 का, ठीक है, उससे आपका बहुत सारा जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लाइमेट चेंज, SDG 13 के अकॉर्डिंग ये क्लाइमेट चेंज 2030 तक हम इसको अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये देखो इसका अब्रीवेशन है, आप फुल फॉर्म भी लर्न कर सकते हैं, NAPCC का नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ नेशनल वाटर मिशन एज टू एंश्योर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट हेल्पिंग टू कंजर्व वाटर मिनिमाइज वेस्टेज एंड एंश्योर मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बोथ अक्रॉस एंड विद इन द स्टेट्स इन इंडिया। एज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑन नेशनल वाटर मिशन द एम इज टू इंक्रीज वाटर यूज एफिशिएंसी बाय हाउ मच, तो कितना परसेंटेज वाटर की एफिशिएंसी बढ़ाने को बोला गया है, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स बताना है आपको, दो ही ऑप्शन है। डिजोल्व ऑक्सीजन इज अ मेजर ऑफ हाउ मच ऑक्सीजन इज डिजोल्व इन द वाटर, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल टू लिविंग एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन ए स्ट्रीम लेक कैन टेल अस अ लॉट अबाउट इट्स वाटर क्वालिटी, यस, सो हायर द ऑक्सीजन लेवल द हेल्दियर ए वाटर बॉडी एंड वाइस वर्सा, इट इज ट्रू और फॉल्स, इट इज टोटली ट्रू, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल पानी में होगा तो उतना ही ये हेल्दी बनेंगे जो भी इसमें एक्वेटिक एनिमल्स हैं, गंदे पानी में आपको कम मिलेंगे और वो अनहेल्दी मिलेंगे, तो इसलिए मछलियाँ भी स्वच्छ पानी की अच्छी रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मोस्ट नेचुरल वाटर्स दिस स्केल आर कंट्रोल्ड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट कार्बोनेट इक्विलिब्रियम सिस्टम एंड इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेट विल देयरफॉर लोअर द स्केल वेयर एज ए डिक्रीज विल कॉज इट टू राइज, व्हाट इज द मेजर ऑफ द एसिड बेस इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, pH, दिस इज द मेजर ऑफ एसिड बेस इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड इज बिगेस्ट ओशियन होल्डिंग मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ ओपन वाटर सप्लाई द पैसिफिक ओशियन वॉज नेम्ड बाई एक्सप्लोरर फर्डिनेंड मैगलन इन 1520 विद पैसिफिक ट्रांसलेटिंग टू पीसफुल इन पोर्टुगीज बट सम एरियाज ऑफ द पैसिफिक ओशियन आर एनीथिंग इट बट इज कॉल्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ फायर, आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, उसको क्यों रिंग्स ऑफ फायर बोला गया था, बिकॉज फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज, इसमें बहुत सारा पैसिफिक ओशियन में बार बार अर्थक्वेक आते रहते थे और वोल्केनो फटते रहते थे, इसलिए इसको रिंग्स ऑफ फायर भी बोला जाता है पैसिफिक ओशियन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल द मिलियन फोर मिलियंस ऑफ पीपल ऑन द प्लेनेट, फूड इज अ स्कैर्स रिसोर्स. रिड्यूसिंग फूड लॉस एंड वेस्ट मीन्स रिस्पेक्टिंग फूड नेचुरल रिसोर्स एफर्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट दैट हैज़ गोन इन टू प्रोक्योरिंग इट. When was the first International Day of Awareness of Food Loss and Waste celebrated? तो ये हमने मनाया था ऑप्शन सी 29 सितंबर 2020 में. सबसे पहले हमने International Day of Awareness of Food Loss and Waste celebrated किया था. Next question, in order to facilitate composting, a suitable environment must exist. Microorganism responsible for the degradation of organic waste use carbon for energy and nitrogen for protein. What is the carbon to nitrogen ratio that is considered ideal for composting? तो कार्बन से नाइट्रोजन का रेशो कितना होता है, वो होता है 30:1, 30 कार्बन और 1 नाइट्रोजन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेस्ट कंटेन बोथ हैजर्डस सब्सटेंसेस सच एज लीड, पॉलीक्लोरिनेटेड बाईफेंजाइल, पॉलीब्रोमिनेटेड बाईफेंजाइल, मर्करी पॉलीब्रोमिनेटेड बाईफेंजाइल एथर्स, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स एंड वैल्यूएबल सब्सटेंसेस सच एज आयरन, स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम, प्लास्टिक. तो आप क्वेश्चंस को लैंग्वेज को अच्छे से समझिए तभी उसका आंसर दीजिए. तो ये सब कहलाते हैं ई वेस्ट. आपको इसमें लैंग्वेज समझनी बहुत ही ज़रूरी है क्वेश्चन की. बिना लैंग्वेज समझे आप ये इस ओलंपियाड में अच्छा रैंक नहीं ला सकते. तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही आप आंसर पर जाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए रिसेंट मीडिया कवरेज ऑन ब्लैकआउट क्राइसिस इन इंडिया इन अक्टूबर 2021, व्हाट डू यू थिंक द रीजन ऑफ प्लॉजिबल मेजर कॉज कट्स इन स्टेट डिपेंडेंट ऑन कोल बेस्ड पावर प्लांट. 2021 में कोल का बहुत सारा क्राइसिस हो गया था, तो उसका क्या रीजन था वो पूछा गया है. तो वो था डिप्लीटेड स्टॉक्स ऑफ कोल अवेलेबल विद द स्टेट्स. डिप्लीटेड स्टॉक्स ऑफ कोल अवेलेबल विद द स्टेट्स. अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, ए मेजोरिटी ऑफ द एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीडेड टू बी अलोकेटेड टू डैश सो एज टू हेल्प अचीव द गोल ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी एक्सेस बाई 2030. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफ ग्रिड एंड मिनी ग्रिड सिस्टम. व्हाट इज़ द यूनिट फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी को कैसे हम मापते हैं, वाट में, वाट. कैलोरी और जूल तो शायद एनर्जी का होगा. नेक्स्ट, मार्केट्स ड्राइवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बूम इन द कमिंग डिकेड. तो कौन सा एक्सपेक्ट नहीं है बूम करने का, तो वो होगा कन्वेंशनल एनर्जी. रिन्यूएबल एनर्जी का भी बहुत ज़्यादा बूम करेगा, वेस्ट मैनेजमेंट का भी और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट का भी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द गॉड ऑफ वेदर अपीयर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स इन वेरियस कल्चर एंड रिलीजियन. इन एंशियंट ग्रीक द डैश इज ऑफन कंसिडर्ड एज द गॉड ऑफ वेदर सिंस ही वॉज कनेक्टेड विद लाइटनिंग बोल्ट्स एंड वॉज ऑल्सो द स्काई एंड थंडर गॉड. तो वो कौन सा देवता था, तो वो था बी, जियस. जैसे हमारा इंद्र देवता था बारिश से रिलेटेड, ऐसे ही ग्रीक में जियस था. नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, समझिए, मैं आपको आंसर बता देता हूँ. बायो अकुमुलेशन, तो ये ट्रू है टोटली. इंडियन एलिफेंट्स कैन स्पेंड अप टू 19 आवर ए डे फीडिंग एंड कैन प्रोड्यूस अबाउट 220 पाउंड्स ऑफ डंग पर डे दस हेल्पिंग टू डिस्पर्स जर्मिनेटिंग सीड्स. हाउएवर रैम्पेंट हैबिटेट लॉस फोर्सेस देम टू सीक अल्टरनेटिव फूड सोर्स इन फार्म सेटलमेंट एंड प्लांटेशन गिविंग राइज टू ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट. करेंटली द आई इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फुल फॉर्म पूछा जाएगा इसका, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है.
क्योंकि तीन चार इसमें अब्रिविएशन पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी एंडेंजर्ड, ट्रीट्स एलिफेंट एज एंडेंजर्ड स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, रेडिएटिव इफिशेंसी एंड हाउ लॉन्ग दे स्टे इन द एटमॉस्फियर। क्वेश्चन नंबर 425th क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी HL कार्लसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी प्रोटोकॉल कन्वेंशन का क्वेश्चन आता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वॉज अमेंडेड ऑन October 15, 2016 टू इंक्लूड कंट्रोल मेजर्स टू रिड्यूस हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। इट इज एक्सपेक्टेड टू अवॉइड अप टू 0.4 डिग्री सेल्सियस ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर राइज बाई 2100 वाइल कंटिन्यूइंग टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। व्हाट इज द एग्रीमेंट नोन एज। तो इस एग्रीमेंट को और क्या नाम से बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं द किगाली अमेंडमेंट, जो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इट इज इम्पोर्टेंट टू नो द पार्टिकुलर सोर्स ऑफ पोल्यूशन एंड इट्स क्वांटिटी कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द एम्बियंट एयर क्वालिटी। दिस कैन बी डन थ्रू ए रिसर्च प्रैक्टिस नोन एज। तो उस रिसर्च प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं, सोर्स अपोर्शनमेंट स्टडी, सोर्स अपोर्शनमेंट स्टडी विच इज बेस्ड ऑन ट्रैकिंग डाउन द सोर्सेज थ्रू रिसेप्टर मॉडलिंग एंड हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द सोर्स एंड एक्सटेंट ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच इज अ कलेक्शन ऑफ मेराइन डेब्रिज इन द नॉर्थ पैसिफिक ओशियन बिटवीन वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका टू जापान। द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पिच हैज वन ऑफ द हाइएस्ट नॉन लेवल्स ऑफ प्लास्टिक पार्टिकुलेट सस्पेंडेड इन द वाटर अपर वाटर कॉलम। वाट इज नॉन एज। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैसिफिक ट्रेस वोर्टेक्स, पैसिफिक ट्रेस वोर्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मोक की वजह से 4000 लोग मर गए थे, कहाँ पर ये पूछा गया है, ये थे लंदन में। विच ओडोरलेस कलरलेस एंड पॉइजनस गैस इज फॉर्म बाय द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स सच एज गैसोलीन एंड इज इमिटेड प्रीमायरली फ्रॉम कार्स एंड ट्रक्स। तो ये आपको पता होना चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। अगर बंद कमरे में आप अंगीठी जलाएंगे, दिया जलाएंगे, तो उससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जिससे बहुत सारे लोगों की दम घुटने से मौत हो जाती है। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय ए सरफेस इज रेफर्ड टू एज इट्स अल्बेडो एंड कैन रेंज फ्रॉम ए वैल्यू ऑफ जीरो नो रिफ्लेक्शन टू ए वैल्यू ऑफ 100% रिफ्लेक्शन। विच अमंग दीज वुड हैव द बिगेस्ट अल्बेडो। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा स्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप पढ़िए, पीपल विद ग्रीन कलर हेल्प्स अस मेंटेन ए हेल्दी एनवायरनमेंट। तो आपको ग्रीन ओलंपियाड में भी ऐसे ही बड़ी बड़ी डेफिनेशंस देखने को मिलेगी, आपको घबराना नहीं है, सिंपली उसको पढ़िए अच्छे से और उसके बाद ही आंसर दीजिए। ग्रीन ओलंपियाड है तो जहाँ भी आपको ग्रीन लिखा मिलेगा, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन नेशन, ये सब मतलब वही है जो अच्छा काम करते हैं एनवायरनमेंट के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये मैच करना है, तो एक बार आप देख लीजिए।
वर्बल कम्युनिकेशन एंड एग्जांपल्स। तो रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, पब्लिक कम्युनिकेशन क्या होता है, और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर डी है। देखिए फर्स्ट का थ्री रिटन कम्युनिकेशन, राइटिंग ए लेटर, ठीक है। सेकंड स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, कॉन्फ्रेंस और सस्टेनेबल डेवलप। कॉन्फ्रेंस करेंगे तो मतलब स्मॉल ग्रुप हो जाएगा। पब्लिक कम्युनिकेशन क्या होता है, कंपेनिंग ऑन वाटर कंजर्वेशन, ये क्या है पब्लिक कम्युनिकेशन। और इंटरपर्सनल मतलब दो या दो से चार पाँच लोगों का, टू पीपल टॉकिंग टू ईच अदर अबाउट क्लाइमेट चेंज, ये क्या है, ये है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। द नेशनल वाटर पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू गवर्न द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड देयर ऑप्टिमाइजेशन। अब जैसे आपको पता है 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी थी, ऐसे ही वाटर पॉलिसी बनी थी। तो वो कब बनी थी उसके बारे में पूछा गया है, 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे कि कैसे हम एनवायरनमेंट को अच्छे से क्लीन रख सकते हैं, कैसे हम अर्थ को ग्रीन अर्थ बना सकते हैं, इसको इको फ्रेंडली बना सकते हैं। तो सब इससे रिलेटेड जो ऑप्शन होंगे वो सही होंगे, जो इससे रिलेटेड नहीं होगा, जहाँ पोल्यूशन की बात होगी वो इसका आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन डी में देखिए आप, पार्टिसिपेशन इन दिस प्रोग्राम एंश्योर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन गवर्नर जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब। तो जॉब से रिलेटेड कोई भी ग्रीन स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम नहीं है, ये सब प्रोग्राम आपको अर्थ एंड इट्स एनवायरनमेंट से रिलेटेड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश फॉर अ ग्रीन इकोनॉमी इज अ लीडिंग रिपोर्ट रिलीज इन 1989 दैट प्रपोज द टर्म ग्रीन इकोनॉमी। तो ये ब्लूप्रिंट फॉर अ ग्रीन इकोनॉमी, ब्लूप्रिंट फॉर अ ग्रीन इकोनॉमी इज अ लीडिंग रिपोर्ट रिलीज इन 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन नोडल मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथन द स्किलिंग इकोसिस्टम एंड हैज लॉन्च ऑनलाइन क्विज स्किल इंडिया फॉर ए न्यू इंडिया। तो आप देखते होंगे दो तीन महीने में कोई ना कोई क्विज आ जाती है, तो इसको कौन ऑर्गेनाइज कराता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, MSDE। आपको इसका अब्रिवेशन भी पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म इसका। तो आपको ये लर्न करना बहुत ही ज़रूरी है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ पर्सन बिगिंस ए बिजनेस ही और सी में एनकाउंटर सेवरल चैलेंजेस एंड फेल्योर टू बिकम ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ही शुड, उसको क्या करना चाहिए। तो उसको ये सब काम करने चाहिए एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक ए रबी क्रॉप फ्रॉम द फॉलोइंग मेंशन। रबी, अपने देश में आपको पता होगा तीन तरह का क्रॉप उगाया जाता है, रबी, खरीफ एंड जायद। तो रबी वो होता है जो अक्टूबर नवंबर में उगाकर मार्च अप्रैल में काटा जाता है, जैसे व्हीट। आप रबी को व्हीट से याद कीजिए, ग्राम से याद कीजिए, चना। खरीफ को आप बाजरा और कॉटन से याद कीजिए, जो मई जून में उगाए जाते हैं बारिश के टाइम, और जून के बाद और अक्टूबर नवंबर में जिनका कटाई किया जाता है। जायद फसलें वो होती हैं जो अप्रैल में उगा के, मार्च अप्रैल में उगा के और जून जुलाई तक इनको पूरा कर लिया जाता है, जैसे लौकी की क्रॉप है, ये जल्दी से मतलब किसान को रुपए देने लग जाती है। जायद क्रॉप को नकदी फसल बोलते हैं, क्योंकि बहुत एक महीने में पक के तैयार हो जाती है और किसान इसको सीधा बेच के रुपए कमाई करना शुरू कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रबी का, क्या बताया था मैंने, जो रबी मतलब अक्टूबर नवंबर में उगाया जाता है, दिसंबर तक भी उगाते हैं और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। तो बारले है इसमें, बाकी जो बच गए सोयाबीन, मेज़ एंड कॉटन, ये हो गए खरीफ की फसल। तो बारले मतलब वीट के जैसा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आप पढ़िए, आपको आंसर बताता हूँ इसका। पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वोम। दिस इज ए डेट रिवॉर्म, वॉर्म इज ए डेट रिवॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोकल्चर इज द ग्रोइंग ऑफ ए सिंगल क्रॉप इन ए पार्टिकुलर एरिया। मोनोकल्चर, जहाँ एक फसल उगाई जाती है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग एक्चुअली डिस्ट्रॉयज द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल एज ओनली सिंगल क्रॉप इज ग्रोन। व्हाट इज द अदर नेम फॉर दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। इस फार्मिंग का दूसरा नाम क्या है? प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग, एक बार प्लांट लगा दिया जाता है वो कई साल तक रहता है, तो उससे क्या होता है? डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉयल, जो भी ज़मीन में वो होता है वो सब मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, जहाँ कुछ नहीं उगता उसको क्या बोलते हैं? डेजर्टिफिकेशन, ज़मीन को खाली छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस साइंटिफिक प्रोसेस कैन ब्रॉडली बी डिफाइंड एज द इम्प्रूवमेंट ऑफ द जेनेटिक पैटर्न्स ऑफ डोमेस्टिक प्लांट पॉपुलेशन। ह्यूमन बींग हैव बीन इन्वॉल्व इन मैनिपुलेटिंग एंड इम्प्रूविंग प्लांट्स फॉर देयर नीड्स फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। व्हाट इज दिस प्रोसेस नोन? तो दिस प्रोसेस इज नोन एज प्लांट ब्रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सॉइल इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर एज इट्स सेचुरेशन इन ए डाइजेस्टिबल फॉर्म इज नेसेसरी कंडीशन फॉर क्रॉप हेल्थ। अपार्ट फ्रॉम नाइट्रोजन विच अदर टू न्यूट्रिएंट्स आर वाइटल फॉर क्रॉप डेवलपमेंट? तो क्रॉप डेवलपमेंट के लिए पोटेशियम एंड फॉस्फोरस आर वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स आर फॉसिल फ्यूल सच एज कोल ऑयल एंड नेचुरल गैस? तो आपको पता होना चाहिए ये हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो एक बार ख़त्म तो हो जाएंगे मगर इनको बनाया नहीं जा सकता। रिन्यूएबल इसलिए गवर्नमेंट आजकल सोलर प्लेट, सोलर एनर्जी जनरेट करने को बोल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा उन पर सब्सिडी दे रही है कि आप सोलर प्लेट खरीदिए और घर में ही अपना इलेक्ट्रिसिटी बनाइए। लास्ट फाइव क्वेश्चंस, विच टर्म इज यूज टू रेफर टू द वर्ल्ड्स टॉप बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्रीज? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मेगा डाइवर्स कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप पढ़िए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस कॉन्टिनेंट इज आइसोलेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय द साउदर्न ओशियन। टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी इज लो एंड कंप्राइजेज ऑफ सिंपल प्लांट्स एंड एनिमल्स। देयर आर नो नेटिव टेरेस्ट्रियल मैमल्स रेप्टाइल्स एम्फीबियंस फ्रेश वाटर फिश दैस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका इज अ कॉन्टिनेंट ऑन विच देयर इज नो नेटिव टेरेस्ट्रियल मैमल्स रेप्टाइल्स एम्फीबियन फ्रेश वाटर फिश ट्रीज सर्ब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म डोमिनेटिंग दिस क्लाइमेट एक्सट्रीम इनलैंड लोकेशंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन मॉलिक्यूल्स इन द एटमोसफियर प्रोवाइड अस विद इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन फ्रॉम रेज ऑफ द सन। स्पेसिफिकली दीज मॉलिक्यूल्स आर गुड एट अब्जॉर्बिंग सर्टेन अल्ट्रा वायलेट रेज दैट कैन यूज सनबर्न एंड स्किन कैंसर। इफेक्ट ऑफ सनबर्न इज मोर अक्यूट इन, तो सनबर्न सबसे ज़्यादा किस में होगा फिर? वो विंटर में। ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, बिना इसके हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, हम इस वीडियो में ओनली 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे और 25 क्वेश्चन हम उससे अगले वीडियो में करेंगे। तो देखिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अर्थ्स एटमॉस्फेयर एक्ट एज ए ब्लैंकेट।
होल्डिंग इन हीट फ्रॉम द सन सो इट डजेंट एस्केप बैक इन टू स्पेस. इन ट्रॉपिकल ओशियन रीजन लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर वेपर्स आर पम्प्ड अपवर्ड्स बाई कन्वेक्टिव स्टॉर्म्स विच इन टर्न ट्रैप हीट वेरी इफेक्टिवली. दिस एक्स्ट्रा हीट कांट एस्केप डायरेक्टली टू स्पेस एंड सो इट फर्दर ड्राइव्स कन्वेक्टिव स्टॉर्म एंड हैवी ट्रॉपिकल रेनफॉल पावरफुल इनफ टू ट्रांसपोर्ट द एक्स्ट्रा हीट आउटसाइड ऑफ द ट्रॉपिक्स. तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे क्लास 11 और 12 के लिए टॉप 50 क्वेश्चंस, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे. अगर आप इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और तैयार करेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आपके लिए हो सकता है कि आप अच्छी रैंक लाएं और कुछ भी जो ये लोग प्राइज देते हैं, कैश प्राइज होता है, मेडल होता है, आप जीत पाएंगे. आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.